तो हेलो मेरे ड्यू फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे आप लोग। मेरा नाम है उज्ज्वल, आप देख रहे हैं ऑटो एक्स पी वी टूज्वल। तो दोस्तों, जानते ही इतना ज़्यादा खुश क्यों, क्योंकि आज है 2 तारीख और कल है 3 तारीख। कल 3 तारीख को लॉकडाउन खुल गया गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है, गोलमाल। तो कल दोस्तों 3 तारीख को लॉकडाउन खुलने वाला है। तो मैंने काफ़ी सारा प्लानिंग किया है कि ये करूंगा वो करूंगा, मतलब यहाँ राइड पे जाऊंगा वहाँ राइड पे जाऊंगा। तो बेसब्री से मुझे इंतजार है 3 तारीख, मतलब कल का इंतजार है। गोलमाल है भाई साहब। तुझे कुछ सुनाई दिया? नहीं नहीं, चल ठीक है। तो आज का वीडियो का टॉपिक दोस्तों है कि, वीडियो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार और खुशखबरी सुना दूं कि कल 3 तारीख है, कल लॉकडाउन खुलेगा। गोलमाल है भाई साहब, गोलमाल है, गोलमाल। वे मुझे कुछ शक लग रहा है, न्यूज चैनल चालू कर, तो थोड़ा न्यूज दिखा तो। तो आपको बता दें, ये बेहद अहम सूचना अभी अभी मिल रही है कि देश में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। पहले 3 तारीख तक इसकी मियाद थी, लेकिन फिलहाल इसे 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। I got $500 in cash in case they don't take MX. She wanted to see me, so now I'm headed to the NX. तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में तो देख ही चुके होंगे कि इसको एक्सटेंड कर दिया गया है काफ़ी, मतलब 17 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है, लगभग 2-3 हफ्ता इसको बढ़ा दिया गया है, ताकि और ज़्यादा मतलब कोरोना वायरस का जो भी केसेस है बढ़ ना पाए। तो इसमें एक और खुशखबरी उठ के आ रही है दोस्तों, कि जितने भी मजदूर हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, जहाँ भी फंसे हुए हैं, सरकार ने परमिशन दे दिया है कि अपने स्टेट में वापस जा सकते हैं। तो इसके रिलेटेड दोस्तों, मैं थोड़ा सा जो मुझे नॉलेज है वो सोचा कि आपके पास साथ शेयर कर दो, ताकि आप भी अवेयर रहें। तो जो भी मजदूर होंगे और जो भी स्टूडेंट होंगे, वो तो आएंगे अपने स्टेट में, तो अपने लगभग महीने भर से, 1.5 महीने से जो गाड़ी खड़ा करके रखे हैं आप, बाइक हो गया चाहे कार हो गया, उसको आप निकालिएगा उनसे मिलने जाने के लिए, या फिर उनसे उनके पास जाने के लिए, या फिर उनको लाने जाने के लिए, ठीक। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि गाड़ी में आप तो आएंगे तो नहा धो के फ्रेश हो जाएंगे, कपड़ा को साफ़ कर देंगे, मोबाइल को साफ़ कर देंगे, लेकिन जो गाड़ी में इन्फेक्शन, वो जो वायरस है, वो अगर उसका जो भी बैक्टीरिया है वो अगर आपके गाड़ी में रह गया है, तो वो आपको मतलब नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस चीज़ के ऊपर अवेयरनेस वीडियो में बनाने आया हूँ कि आप अपनी गाड़ी को कैसे ये वायरस से बचा सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये फैक्ट है कि एक आपके गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील जो होता है, गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील या फिर आपका जो बाइक होता है उसमें जो हैंडल होता है, उसमें जितना बैक्टीरिया होता है, आपके टॉयलेट सीट से भी लगभग 3 से 4 गुना ज़्यादा ये बैक्टीरिया का जो संख्या होता है वो आपके गाड़ी में होता है। तो इसके वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। तो दोस्तों, व्हीकल जो भी होता है, आप व्हीकल जब भी चलाते हैं या फिर जब भी व्हीकल से उतरते हैं, तो आप इतना ज़्यादा अवेयर नहीं रहते हैं, क्योंकि आपको पता होता है ये मेरा गाड़ी है, इसमें क्या हो सकता है। तो इसी चीज़ के, इसी यही गलती आपको लेके डूब सकता है, क्योंकि दोस्तों आप अगर जा रहे हैं किसी क्वारंटाइन सेंटर में, वहाँ पर आपके परिजन जो भी हैं, वहाँ पर आप मिल रहे हैं उनसे, तो वहाँ पर आपके शरीर में लग के आपके व्हीकल में भी बैक्टीरिया या फिर जर्म्स जो भी होते हैं, ये वायरस आ सकता है, जिसके वजह से आपके घर तक वो आ सकता है। और घर पे अगर बाइक लगा रहे हैं या फिर 4-व्हीलर लगा रहे हैं, तो बच्चे खेलेंगे, तो उसके वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आप कैसे इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, कि आपको अगर आपके पास अगर बाइक है, अगर आपके पास बाइक है दोस्तों, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप निकाल रहे हैं, तो वहाँ से क्वारंटाइन सेंटर से वापस आते समय उसको एक बार वॉश जरूर कराइएगा। तो दोस्तों, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपके जो भी हैंडल में या फिर स्टेयरिंग व्हील में या फिर आपके जो डोर हैंडल है उसमें जितने भी बैक्टीरिया है वो सब मरे जाएंगे, लेकिन 1% एक हद तक आपका जो भी इन्फेक्शन है वो चांसेस कम हो जाएगा आपको लगने का। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, तो सबसे पहले अगर आप कार में हैं, तो अपना जो ड्राइवर सीट होता है या फिर पैसेंजर सीट होता है, वो और जो जिस साइड से आप उतरे हैं या फिर चढ़े हैं, उस साइड का जो डोर हैंडल होता है, जो डोर का जो हैंडल होता है वो, और स्टेयरिंग व्हील, आपको प्रॉपर तरीके से वॉश करना है। और अगर आप बाइक में हैं, तो बाइक में एक हद तक आप पूरा वॉश करा ही दीजिएगा तो सही होगा, लेकिन हाँ, अपने अवेयरनेस, अपने सेफ्टी के लिए एक आप काम कर सकते हैं कि घर पे आने के बाद उसका जो हैंडल है वो, उसका जो क्लच है वो, उसका जो फ्रंट ब्रेक है वो, और जिस सीट में आप बैठे थे अगर आप पेट्रोल भरवाए थे वो, उसको जो टंकी होता है वो साफ़ कर देना है आपको, अच्छी तरह से सैनिटाइज कर देना है। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसका जो चाबी होता है वो, कार का चाबी हो या फिर बाइक का चाबी हो, आप अगर क्वारंटाइन सेंटर से वापस आ रहे हैं तो ये चीज़ बिल्कुल भी करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर इन्फेक्शन का जो भी चांसेस होता है वो ज़्यादा होता है, और आपके द्वारा वो इन्फेक्शन आपके घर पर भी आ सकता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आपके, मतलब कि आपके घर वालों को या फिर कोई भी दिक्कत हो। अगर आप थोड़ा सा सेफ रहिएगा तो ये जो महामारी फैला है उससे आप बच सकते हैं। तो आज के दोस्तों इस वीडियो में यही था। वीडियो को काफ़ी छोटा रखने की कोशिश मैंने किया है, क्योंकि मैं वीडियो में अवेयर करने आया था आपको कि आपको कैसे बच सकते हैं आप इन सब चीज़ों से, क्योंकि आने वाले 1 हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा आपका जो भी
गाड़ी के काम हो सकता है, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं परिजन आपके फंसे होंगे, तो आने वाले कुछ हफ्तों में या फिर कुछ दिनों में वो जहाँ भी फंसे हैं वहाँ से उन गवर्नमेंट द्वारा मतलब उनको लाया जाएगा। तो इन सब चीज़ों का अगर बात आप ध्यान रखिएगा तो आप भी इन महामारी मतलब इस बीमारी से आप बच सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद। $500 in cash in case they don't take MX. She wanted to see me, so now I'm headed to the